अस्सलाम वालेकुम, आई एम अदनान गुल एंड यू आर वाचिंग हेल्थ अवेयरनेस यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। टुडे आई विल टॉक अबाउट स्टमक पेन काजेज सिम्टम एंड ट्रीटमेंट्स। यू नो स्टमक पेन कैन बी कॉज्ड बाय मेनी डिफरेंट कंडीशन। ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। आई स्टार्ट माई टॉक विद दिस हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। A few food are enough for the son of Adam to keep his back straight. If he need to eat more, he should allocate 1/3 of its stomach for eating, 1/3 for breathing, and 1/3 for drinking. Mostly stomach pain can be caused by indigestion, reflux, nausea, and bloating. So सारी बात का निचोड़ ये है कि स्टोमिक पेन ज़्यादातर बदहज़मी की वजह से हो सकता है कि हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते। जब हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते तो बदहज़मी का शिकार होते हैं, एसिडिटी का शिकार होते हैं, स्टोमिक पेन का शिकार होते हैं। तो इसी बारे में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने ट्रीटमेंट भी बताई हैं, काजेज और सिम्टम्स वगैरह भी और ट्रीटमेंट्स भी इसी वीडियो में आपसे इस बारे में डिस्कस करूंगा। इनडाइजेशन का प्रॉब्लम यह है कि जब हम सॉलिड फूड खाते हैं और खाने पीने में एहतियात नहीं करते तो हमें बदहजमी हो जाती है। जैसे कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1/3 फॉर ईटिंग, 1/3 फॉर ब्रीथिंग, 1/3 फॉर ड्रिंकिंग, के स्टोमिक के तीन हिस्सों में से एक हिस्सा खाने के लिए रखें, एक हिस्सा पानी के लिए रखें और एक हिस्सा हवा के लिए रखें, सांस लेने के लिए रखें ताकि हजमा हो। पर यहाँ पर इसके बिल्कुल ही बरअक्स है कि खाना तो हम फुल बटा फुल खाते हैं, पानी के लिए जगह तो होती नहीं है और हवा किधर से पेट के अंदर जाएगी और कैसे सांस लेंगे। तो इसी वजह से बदहजमी का शिकार होते हैं लोग। रिफ्लक्स की जहाँ तक बात है कि एसिडिटी, फास्ट फूड खाने की वजह से एसिडिटी होती है, स्पाइसी चीज़ें खाने की वजह से होती है, ये तो नॉर्मल केस हैं। ये तो सभी को पता है कि स्टामिक हमारा किस वजह से डिस्टर्ब हुआ है, कौन सी स्पाइसी चीज़ खाई है, कौन सी पतप्रेजी की है, हमारा स्टामिक डिस्टर्ब हो गया है। अब स्टामिक डिस्टर्ब हो गया, एसिडिटी होगी, पेन शुरू हो गया है, इंडाइजेशन बदहजमी हो गई है, उल्टियाँ आ रही हैं, मतली हो रही है, तो अब क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं अभी आपको कुछ मेडिसन बताऊंगा और डोजेस भी बताऊंगा। गौर से सुननी है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले आ जाती है डोमपेरिडॉन टैबलेट, ठीक है, ये स्टोर से मिल जाएंगी। अगर ज़्यादा बदहजमी है, ज़्यादा है, उल्टियाँ भी हो रही हैं, बदहजमी भी है, मतली हो रही है, तो ये वाली टैबलेट आप एक एक टैबलेट 3 टाइम खा सकते हैं। इन केस प्रॉब्लम ज़्यादा है, ज़्यादा दर्द पेन है, उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं, बदहजमी ज़्यादा है, हज़म नहीं हुई खुराक, स्टामिक के अंदर ही पड़ी हुई है, तो फिर ये 2-2 टैबलेट 3 टाइम खा सकते हैं। अगर टैबलेट फॉर्म में नहीं खानी आपको तो सिरप भी अवेलेबल है, तो 2-2 चम्मच 3 टाइम 4 टाइम भी ले सकते हैं। ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में 2-2 चम्मच 4 टाइम बदहजमी के लिए। तो दूसरे नंबर पर आ जाती है एसिडिटी। एसिडिटी के लिए कैप्सूल अवेलेबल हैं, इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, ठीक है। और टैबलेट में आ जाती हैं रेनेटाडीन, फेमोटाडीन, ये एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं। इसोमेप्राजोल कैप्सूल अगर आप लेकर खाएंगे तो 20 मिलीग्राम में भी हैं, 40 मिलीग्राम में भी हैं। 20 मिलीग्राम में लेकर खा रहे हैं तो एक एक सुबह शाम खाने से पहले लेने हैं। अगर एसिडिटी है तो खाने की परवाह नहीं करनी, तो खाना खाया हुआ है या नहीं खाया हुआ आपने ले लेने हैं, खाने के बाद भी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने से पहले लेना उन लोगों के लिए होता है जो स्टोमिक के पेशेंट हैं, रेगुलर
अगर इन केस आपको फर्स्ट टाइम हुआ है या वैसे हो गया है बदहजमी की वजह से, कुछ स्पाइसी फूड खाने की वजह से, तो खाने की परवाह नहीं करनी कि खाया हुआ नहीं है, खाया हुआ है आप क्यों लें, खाली पेट के कैप्सूल हैं, तो आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी। अगर एसिडिटी हो रही है तो इसोमेप्राजोल 20 मिलीग्राम में एक कैप्सूल सुबह एक शाम खा सकते हैं। ओमेप्राजोल में एसिडिटी के लिए होता है, ये भी आप एक कैप्सूल 20 मिलीग्राम में सुबह एक शाम खा सकते हैं। अगर 40 मिलीग्राम में लेकर खाएंगे तो एक कैप्सूल रोज़ाना, और सुबह शाम भी खा सकते हैं 40 मिलीग्राम में, इन केस अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। रिनेटाडीन एक एक टैबलेट 3 टाइम खाएं, और फेमोटाडीन भी एक एक टैबलेट 3 टाइम खाएं। खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाया हुआ है तो खाने से बाद भी ले सकते हैं, नहीं खाया हुआ तो तब भी ले सकते हैं, नो इशू। ये प्रॉब्लम, ये कानून जो होता है खाने से पहले का, ये रेगुलर स्टमक पेशेंट के लिए होता है। फर्स्ट टाइम किसी को हो जाए तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत दफ़ा खट्टे डकार आते हैं, मुंह के अंदर सारी मिर्च मसाले वाली चीज़ें आ जाती हैं, रिफ्लक्स इसको कहते हैं, कि एसिड सारा मुंह के अंदर आ जाता है, गजाई नाली में आ जाता है। इसके लिए भी इसोमेप्राजोल और ओमेप्राजोल इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह खाने हैं जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, 20 मिलीग्राम में भी अवेलेबल हैं, 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल हैं। तो आपने ये कैप्सूल एक सुबह एक शाम 20 मिलीग्राम वाला खा सकते हैं, 40 मिलीग्राम वाला भी खा सकते हैं सुबह शाम, इन केस अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो, एसिडिटी ज़्यादा है तो। साथ में इसी तरह टैबलेट लेनी है तो फेमोटाडीन और रेनेटाडीन में एक एक टैबलेट 3 टाइम खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी, और इसी तरह फेमोटाडीन भी खाने से एक एक टैबलेट 3 टाइम खाने से पहले भी, खाने के बाद भी ले सकते हैं, ये एसिडिटी को कंट्रोल करेंगे। ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम जहाँ तक है, गैस की प्रॉब्लम, तो गैस की प्रॉब्लम में अफाड़ा भी बोलते हैं इसको, अफाड़ा जुबान का लफ्ज़ है। गैस हो जाती है, ये ज़्यादातर राइस खाने की वजह से होती है, फास्ट फूड खाने की वजह से होती है, सीख कबाब खाने की वजह से हो सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इस वजह से भी, स्टॉमिक पेन होता है, और अबडामिन का पूरा एरिया ही गैस की वजह से मुतासर होता है। तो इसके लिए जो है, सबसे पहले आपने खानी है ओमेप्राजोल कैप्सूल खा सकते हैं, ठीक है, और साथ में डोमपेरिडॉन का सिरप लेकर पी लें, दो दो चम्मच 3 टाइम, या टैबलेट हैं तो दो दो टैबलेट 3 टाइम आप लेकर खा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ म्यूकैन सिरप ले लें, गेविस्कॉन सिरप ले लें, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप ये सिरप भी गैस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और परहेज़ में ये है कि खाने पीने में परहेज़ सबको ही पता है, कैसे कि किस तरह की परहेज़ करनी चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए। फास्ट फूड का इस्तेमाल करें पर फिर हाजमा भी करें, ठीक है। अगर एसिडिटी हो रही है तो फिर साथ में कैप्सूल का इस्तेमाल करें, एंटी एसिड कैप्सूल, एंटी एसिड सिरप्स अवेलेबल हैं कमर कीट में, एंटी एसिड कैप्सूल अवेलेबल हैं, और हाजमे के लिए भी टैबलेट और सिरप कैप्सूल अवेलेबल हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।